Hello students, welcome on YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. In last video, I had discussed about the first equation of motion, that is v equals u plus at, in which v is your final velocity, u is your initial velocity, a is acceleration and t is time. Now in this video, I am going to teach you second and third equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square and v square equals u square plus 2as. Now let's see example in your book. Now in example, just see, initial is a burst starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second for 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. First, initial velocity of burst, that is 0 है हमारी, क्योंकि वो rest से इसने start किया है और started from rest. Now final speed of burst v जो हमें बताना है, acceleration है 0.1 meter per second square, time t यानी 2 minute है. इसे हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे, दैट इज़ 2 × 60, दैट इज़ 120 सेकेंड. नाउ अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें एस की, तो एस के पहले जानने के लिए हम इक्वेशन वन में जाते हैं, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी, जिसमें हमारा वी हमें निकालना है, यू ज़ीरो है, ए पता है, टी पता है, वी आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ हमारी फाइनल स्पीड. फिर अगर हम फ्रॉम पोजिशन टाइम इक्वेशन पे जाएं, दैट इज़ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें क्या हो जाएगा, यू हमारा 0 है, टी हमारा 2 है, 120 सेकेंड है, हाफ ए की वैल्यू रखेंगे, टी का स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ 720 मीटर. तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस जो पूछ रहा है, ट्रेवल कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, तो इससे हमको डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगी. नाउ अब हमें देखना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये. नाउ सी दैट अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड. फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट. नाउ गिवन है हमारे पास इनिशियल स्पीड u, इसको हम मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे. फाइनल स्पीड ऑफ ट्रेन v हमारी क्या है, 0 है. क्यों है, क्योंकि फाइनली द ट्रेन कम्स टू रेस्ट, क्योंकि वो कहाँ आ गई है, रेस्ट पे आ गई है. एक्सीलरेशन a इक्वल्स हमारा -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और डिस्टेंस ट्रेवल आस्क है. तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस प्लस 2as, चूँकि हमारा एक्सीलरेशन माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. देन दैट इज़ हमने ए की वैल्यू रखी, एस की रखी, एंड ये हमारे पास यहाँ पे वी की वैल्यू 0 है और यू की वैल्यू रखी. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आ जाएगा 625 मीटर. नाउ दैट इज़ योर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमेरिकल फ्रॉम योर बुक. इन दिस चैप्टर यू हैव टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स फ्रॉम with the concern of these formulas. Okay, thank you.